अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी बेडशीट बनाना बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन और बहुत ही इजीली आप बना सकती हैं। हर कोई बिगनर लोग भी इसको बना सकते हैं आसानी से। तो इसको बनाने के लिए हमने बेबी प्रिंट वाला कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमारा कॉटन है, इसी से हमें इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए, लंबाई मैंने 29 इंच रखी है और चौड़ाई हमें थोड़ा सा कम रखना है। कपड़ा हमारा डबल है क्योंकि हमें इस पूरा स्क्वायर में नहीं बनाना है, थोड़ा सा लंबाई में इसे बनाना होगा। तो इसलिए हम इसकी चौड़ाई थोड़ा कम रखेंगे। लंबाई 29 इंच है, चौड़ाई हमारी देखिए 25 इंच है। तो अब 25 इंच पे हम कपड़े को फोल्ड करेंगे यहाँ से कपड़े को फोल्ड करके फिर यहाँ से हम इसे कट करके इसे अलग अलग कर देंगे। तो देखिए, हमने कपड़े को यहाँ से कट कर दिया है। अब ये जो छोटा वाला पीस है उसे हम साइड में रखेंगे और ये हमारा जो हमें बेडशीट बनाना है वो कपड़ा है। तो इसके अंदर हमें फ़ोम का यूज़ करना है। बहुत से लोग इसके अंदर कपड़ा भी यूज़ कर लेते हैं लेकिन मैंने इसमें फ़ोम का यूज़ किया है। ये फ़ोम मैंने 3 पार्ट में रखा है। आप चाहें तो डबल पार्ट में भी बना सकती हैं, इसकी खूबसूरती बराबर रहेगी। लेकिन 3 पार्ट में ये होता है कि थोड़ा और ये फुली फुली सी बनती है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में रख लिया है। अब हमने फ़ोम को इस तरह से रखा है बिल्कुल सेंटर में। अब कपड़े को फिर से हम इस तरह से डबल कर देंगे। कपड़ा डबल करने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है और जो भी फ़ोम हमारा एक्स्ट्रा रहेगा उसे हमें इस तरह से साइड में निकाल देना है। तो साइड में निकालने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि इस पर हमें बड़े बड़े टाँके लगाना होगा। तो देखिए, हमने एक बड़ी सी निडिल ली है, उसमें मैंने धागा डाल लिया है। अब इसे हम किनारे किनारे बड़े बड़े टाँके लगाएंगे चारों तरफ से, ताकि हमारा फ़ोम और कपड़ा एक जगह फिक्स रहे और ये कहीं ना कपड़ा ना फ़ोम कोई भी अलग अलग ना हटे, ताकि सिलाई करने में इजी रहे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बड़े बड़े टाँके लगाना शुरू कर दिया है। इस तरह से मैंने टाँके लगा दिए हैं। इसे हम घुमा घुमा करके अच्छी तरह से टाँके को लगा लेंगे। आप चाहें तो बीच में भी टाँके को लगा सकती हैं, मैंने बस किनारे किनारे इस टाँके को लगाया है। क्योंकि हमारा फ़ोम फुल साइज़ का है तो ये बीच से कहीं नहीं हटेगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से टाँके लगा दिए हैं। अब टाँके लगाने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा फ़ोम है उसे हम कट कर देंगे। देखिए, मैंने इसे कट कर दिया है। कट करने के बाद ये हमारी जो बेबी बेडशीट है ये पूरी तरह से कंप्लीट है सिलाई करने के लिए। तो अब इसे हम साइड में रखेंगे और जो ये हमारा छोटा वाला कपड़ा निकला था इसकी हम फ्रिल के बनाने के लिए कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने कपड़े को इतना फोल्ड कर लिया है। इस कपड़े की चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है। 3 इंच की चौड़ाई में हम इसे कट करेंगे तो ये सिलाई के बाद 2 इंच कपड़ा हमारा तैयार होगा। तो देखिए, मैंने 3 इंच की चौड़ाई में इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसे कई पार्ट में हमें कटिंग करना होगा। तो इसे हम इस तरह से डबल करेंगे, यानी कि इस तरह से हमारा डबल हो गया। फिर इतना चौड़ाई जो बची है इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ताकि जितना भी कपड़ा है हम उसी में कवर कर लें। बस ये जो किनारी है इसे हमें कटिंग करना है। तो ये किनारी जो है उसे हम कट करके अलग कर देंगे, ये सिलाई करने में काफ़ी दिक्कत करती है। तो इसको मैंने कट कर दिया है। अब इसे हम हर जगह से अलग अलग पार्ट में कट कर देंगे, यानी कि यहाँ से हमें पहले अलग कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ से कट कर दिया, फिर दूसरी साइड घुमा करके यहाँ से हमें कट कर देना है। यहाँ से भी मैंने कट कर दिया। अब फिर इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर हमें यहाँ से भी कट करके इसे अलग कर देना है। तो इस तरह से हमारी कई पट्टियाँ 3-3 इंच की चौड़ाई में लंबाई में आ जाएंगी। तो इसकी लंबाई मैंने फुल रखी है और चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। अब इस तरह से देखिए हमारी कितनी पट्टियाँ तैयार हो गई। पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए, इतनी सारी पट्टियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब इन पट्टियों को एक में ज्वाइंट करके लंबाई हमें बना लेना है। फिर एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेना है सिलाई से, दूसरी साइड हमें चुनट बना लेना है। पूरे कपड़े को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसे लंबाई में ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से पूरी पट्टियों को, और फिर मैंने इस तरह से फोल्ड करना शुरू कर दिया है। तो हमें पूरी लंबाई में इसी तरह से सिलाई लगा लेना है एक साइड से। देखिए, मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है। तो इसी तरह से हमें इसको फोल्ड कर करके सिलाई लगाते जाना है। तो ये लगभग हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, एक साइड की सिलाई। तो ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हमें दूसरे किनारे को लेना है, यानी कि इसका जो किनारे का पार्ट है इसे हम इस तरह से लेंगे। फिर इसमें हमें चुनट लगाना है इस तरह से। आप चाहे तो बिल्कुल महीन चुनट लगा लें, बिल्कुल बारीक बारीक, चाहे तो इस तरह से बड़ी बड़ी प्लेट लगा लें, आपकी मर्ज़ी। तो देखिए, मैंने इस तरह से इतनी छोटी छोटी प्लेट लगानी शुरू की है। तो इसी तरह से हमें पूरे कपड़े में प्लेट लगा लेनी है।
तो आप देख सकती हैं इस तरह से मैंने प्लेट लगानी शुरू की है पीछे की साइड, इस तरह से इतनी दूरी पे। उसी तरह से हमें पूरे कपड़े में प्लेट लगा करके तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको बना करके तैयार कर लिया है। ये हमारे बेबी बेडशीट में किनारे की साइड लगाने के लिए ये पूरी तरह से कंप्लीट है। चारों तरफ हम इसे ज्वाइंट करेंगे, फिर इसे हम पहले नाप लेंगे। अगर ये छोटा होगा तो हमें और भी कपड़ा ज्वाइंट करना होगा, वैसे हमारा बड़ी पीस है। अब इस पर हमें सिलाई लगानी है, तो पहले हम इस तरह से तिरछी तिरछी सिलाई लगाएंगे। तिरछी साइड से 3-3 इंच की दूरी पर हम इस सिलाई को लगाएंगे, फिर उसके बाद इस तरह से क्रॉस करेंगे। तो पहले हम इस सिलाई को लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को लगाने के लिए पहले हम किनारे की साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इतनी दूरी से हमने सिलाई लगाना शुरू किया है। ये टाँके जो बीच बीच में आके फंस जाते हैं, इसे हमें कट कर देना होगा। तो इस तरह से मैंने पहले ही सिलाई लगा ली है, आप देख सकती हैं इस तरह से कितनी दूरी पे मैंने लगाई है। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली। अब दूसरी सिलाई हमें 3 इंच की दूरी पे लगानी होगी। अगर आपको ये सिलाई लगाने की दूरी ना समझ में आए तो आप स्केल और चॉक से इसकी निशान इसके लिए लगा सकती हैं, ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे। लेकिन मैंने कोई भी निशान नहीं लगाया है, बस मैंने अंदाजे से इस तरह से सिलाई लगानी शुरू की है। तो मैंने दूसरी भी सिलाई लगा ली है, अब तीसरी सिलाई हमें लगानी है। कपड़े को दोनों साइड से थोड़ा खींचते हुए सिलाई लगाना है, ताकि हमारे कपड़े में कहीं भी सिलवट ना पड़े। और इस तरह से बिल्कुल ध्यान से हमें सिलाई लगाना होगा। तो देखिए मैंने तीसरी सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर ली है। और मैंने आपको क्रॉस करते हुए सिलाई लगाना बताया था, लेकिन मैंने इसकी सिलाई इस तरह से की है। एक तिरछी सिलाई मैंने लगाई है इस तरह से, और दूसरी सिलाई मैंने इस तरह से सीधी सिलाई लगाई है, क्योंकि इससे ये बर्फ़ी के आकार का ये बन गया है। ये और भी खूबसूरत देखने में लग रहा है, तो मैंने इसको इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये जो मैंने कपड़ा बनाया है, इसे हमें किनारे से ज्वाइंट करना होगा। तो पहले इसकी लंबाई हम नापेंगे इस तरह से, कि हमारा कपड़ा फुल साइज़ में है या नहीं। अगर फुल साइज़ में होगा तो ठीक है, बड़ा होगा तो भी ठीक है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अगर छोटा होगा तो हमें फिर से इसमें और भी ज्वाइंट लगा के बनाना होगा। तो देखिए ये कपड़ा हमारा बड़ा है, अब इसकी सिलाई हमें करना होगा। तो हमें सिलाई करने से पहले ये जो मैंने किनारे ये कपड़ा कट किया है, आप चाहें तो इसमें पतली सी पाइपिंग भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो पहले हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो मैंने फ्रिल तैयार की है, उसे हम इस तरह से रखेंगे, इस पर एक सिलाई लगाएंगे, फिर इस साइड फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। तो अब देखिए, तो देखिए मैंने किनारे की साइड इस तरह से रफली सिलाई लगा दी है। अगर कहीं से छूटा हुआ होगा तो आपको फ्रिल लगाते वक्त इसको फोल्ड करना होगा। तो अब हमें इस डिज़ाइन को लेना है और किनारे की साइड हमें इस तरह से रख करके सिलाई लगानी है। तो देखिए हमें किस तरह से सिलाई लगानी है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो हमें ध्यान देना होगा कि जो भी कपड़ा इधर उधर निकलेगा, उसे हमें इसी में फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है, क्योंकि इधर उधर वो दिखेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बहुत ध्यान से इसे सिलाई लगाना होगा। और ये जो हमने चुनट डाला है, ये भी हमें कहीं भी सिलाई में दबना नहीं चाहिए, बहुत ही ध्यान से हमें इस पर सिलाई लगाना होता है। तो देखिए मैंने एक साइड इस पर सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारा कोना है, इस यहाँ से हम इसे बिल्कुल ध्यान से घुमाएँगे, इस तरह से घुमाते हुए इस पर हम सिलाई लगाएँगे। और फिर इसी तरह से हम पूरी गोलाई में इसको ज्वाइंट कर देंगे एक दूसरे के साथ। हमें हर जगह से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए अब ये हमारा लास्ट पार्ट है, यहाँ पर हम फिनिश कर देंगे इसको सिलाई करके। देखिए यहाँ पर हम धागे को पहले कट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से धागे को कट करेंगे, फिर यहाँ से हम कपड़े को कट करेंगे, फिर दोनों पार्ट को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। यहाँ हम सिलाई को मजबूत कर लेंगे, ताकि हमारी सिलाई ना टूटे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट करने के बाद फिर हम इसको इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पर फिर हम थोड़ी सी सिलाई और लगाएंगे, ताकि ये हमारा पार्ट खुले ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है, यानी कि एक सिलाई हमारी पूरी कम्प्लीट हो गई है। ये बन के कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब इसकी फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर हमें एक और सिलाई लगानी होगी। तो इसे हम इस तरह से सीधी साइड कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाते जाएंगे पूरी गोलाई में, ताकि ये पूरी तरह से इस पर बैठ जाए, फिक्स हो जाए। पूरा घुमा घुमा करके हम इसकी सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए मैंने हर जगह से इसे इस तरह से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगाई है, कहीं भी हमने इसको दबने नहीं दिया। तो देखिए इस तरह से हमारी बेबी बेडशीट पूरी तरह से बनके कंप्लीट है। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बनाने में भी वक्त बहुत कम लगा है, बहुत ही इजीली ये बनके तैयार हो गई है। तो इस तरह से अगर आपको बेबी बेडशीट घर पे बनाना हो तो इस वीडियो को देख करके आप इजीली बेबी बेडशीट बना सकती हैं और बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार हुई है और बहुत ही आसानी के साथ बनके तैयार हुई है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी बेबी बेडशीट की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।